तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में हैं और पीछे आप देख रहे होंगे बौद्ध भिक्खु जो हैं और भिक्खुनी उनका एक जमावड़ा यहाँ पर आया है और करीब करीब 300 बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजरा एंड सुमित ब्लॉग्स में। मैं हूं सुमित चौहान और आज के ब्लॉग में अजरा नहीं है, वो बाहर गई हुई है। तो मैं कहीं आया था तो लगा कि आपको दिखाता हूं कहां हूं। अभी देखिए कहां पे मैं हूं, आप देख रहे हैं, समझ गए होंगे। बैनजी का स्टैचू है, माननीय काशीराम साहब का स्टैचू है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो उंगली उठाने वाला स्टैचू है, वो बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। इस वक्त मैं नोएडा का जो दलित प्रेरणा स्थल है वहाँ पर हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर देखिए अभी आगे से इधर से दिखाता हूँ, बाबा साहब का स्टैचू आपको दिखेगा। ये बाबा साहब हमारे, और साथ में मेरे कौन है मैं आपको बताता हूँ साथ में कौन आया हुआ है। साथ में आज अजरा नहीं है तो आज आशीष को आप सब लोग जानते हैं, हमारे कैमरा मास्टर बोलते हो तुम लोग, हाउ डू यू कॉल इट, कैमरा मास्टर, कैमरा पर्सन, नो बट टू गिव लाइक नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट। सो माय वीडियो जर्नलिस्ट आशीष इज देयर, ही इज डूइंग कैमरा। आशीष जो है अभी ये गुंबद वाले हॉल में जो है ड्रोन उड़ाने वाला है, तो अभी उसकी तैयारी हो रही है। क्या नाम है, नाम बताओ, इधर आओ, नाम बताओ बेटा, नाम बताओ, क्या नाम है? तानिया। तानिया, तानिया कहाँ से आई हैं आप? आगरा से। आगरा से इधर आई आप, इधर आप डरिए मत, आप तानिया नाम है, आप आगरा से आई हैं। आगरा में ताजमहल देखा आपने? गई है ताजमहल पे, कैसा लगा ताजमहल? अच्छा लगा। और अब आप आगरा से नोएडा आ गई ये वाली जगह देखने के लिए, ये कैसी लगी आपको? अच्छा। तो दोनों में से अगर मैं पूछूं ताजमहल ज्यादा अच्छा है कि ये वाली जगह? ये वाली अच्छी है। क्यों अच्छी लगी आपको, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? क्या अच्छा लगा, हाथी अच्छे लगे और ये बाबा साहब की मूर्ति जो है इधर, ये अच्छी लगी? बुद्ध का प्रथम धमोपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, सुना पंचवर्गीय भिक्खु ने अरहत का पद पाया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
गच्छामि। वो ये बोलेगा तो एंट्री हो जाएगा तुम्हारे ऑर्डर पे। बता दो क्योंकि बैटरी जाती है इसकी। अच्छा, स्टार्ट करना है? करवा दो, हो जाएगा ना तेरा काम। हाँ ठीक, यहाँ से करा दो फिर। थोड़ा जैसे आगे इसको लेके उधर से लेते हुए ले आना, इस तरह के शॉर्ट कर लो बस। किसका करिएगा? ऑन है ना, ये ऑन कर दिया है। ऑन है, मैं बस वो एक्सप्लेन करूंगा। मैंने शॉर्ट्स ले लिए, बहुत ब्लैकिश आ रहा है पीछे, बहुत ज्यादा। अशोक जी पीछे से वो हटवा दें उनको, बताइए। ना 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 ना, नहीं वो जो पीछे लोग बैठे हैं, पीछे जो लोग बैठे ना ना, वो ड्रोन वगैरह में आएंगे ना अब? ठीक, हाँ वो ड्रोन वाली में आएंगे। ये रिकॉर्ड कर रहा है ना, देखिए लाल बत्ती है। हाँ जल रही है, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, चलो जय भीम। दोस्तों मैं हूँ सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज वीक की इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं दिल्ली से सटे नोएडा के पास राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में हैं और पीछे आप देख रहे होंगे बौद्ध भिक्खु जो हैं और भिक्खुनी, उनका एक जमावड़ा यहाँ पर आया है और करीब करीब 300 बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी हैं। और ये लोग यहाँ पर आए हैं बवाना से, वहाँ पर धम्म पवज्जा जो इनकी ट्रेनिंग चल रही है, धम्म दीक्षा उसकी वो पूरी करने के बाद 10 दिन का इनका शिविर है। ये लोग यहाँ आए हैं और इसी जगह को इन्होंने चुना क्योंकि यहाँ पर जो महापुरुष हैं बहुजन मानायिकाएँ हैं उनको सम्मान के तौर पर बैनजी ने ये पार्क बनाया है। तो ये विंगम दृश्य यहाँ का है और बहुत ही मतलब मज़ेदार सा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। बौद्धों के इस धम्म मिलन पर, बौद्धों के इस धम्म मिलन पर गाए सभी बधाई, गाए सभी बधाई। महक रहा है सारा उपवन, महक रहा है सारा उपवन, मंगल बेला आई, मंगल बेला आई। भारत भूमि है बुद्ध भूमि, भारत भूमि है बुद्ध भूमि, अनुपम सुगंधित फुलवारी, अनुपम सुगंधित फुलवारी। धम्म पुष्पों की महक से महकी, धम्म पुष्पों की। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ का शूट हो गया। अभी यहाँ पे 11 मूर्ति नाम की जगह है जहाँ पे 11 महापुरुषों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, वहाँ लेके चलते हैं आपको। आशीष तुम पहली बार आए हो पार्क में? जी। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। बस कितना पैसा हुआ? अच्छा ही लग रहा है।
मजा नहीं आया के? थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना। अच्छा जी। और इसके जो डिजाइन है, जो मतलब डिजाइन अच्छा है, आर्किटेक्चर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है चूज किया है उसमें में। Looks like somewhat a historic monument. हिस्टोरिकल मोमेंट मोनूमेंट तो है ही। हम लाल किला देखने जाते हैं, यहाँ पे ये देखने आ गए हैं लोग, तो ये रहेगा बहुत सालों तक। ये हम अभी जा रहे हैं ग्यारह मूर्ति, और ये बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का वॉक होगा मेन जो गुम्बद है उससे। थक गए तुम आशीष? फिर क्यों पूछ रहे हो कितनी दूर जाना है? पूछना तो चाहिए ना कि कितनी दूर जाना है। ना थका हुआ है ये, भागो जल्दी। फाइनली हम लोग जो हैं आ गए हैं ग्यारह मूर्ति की तरफ। इधर से आप देखेंगे तो सामने जो है वो 11 मूर्ति वाली जगह है, यहाँ पे भंतों की परिक्रमा चल रही है। बांधों के इस धम्म मिलन पर, बांधों के इस धम्म मिलन पर गाए सभी बधाई, गाए सभी बधाई। मैं इस वक्त आईपी पार्क में हूँ, आईपी जिसे इंद्रप्रस्थ पार्क या फिर मिलेनियम पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे शांति स्तूप बना हुआ है, विश्व शांति स्तूप, बुद्ध की प्रतिमा है बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर की, और ये स्तूप बना हुआ है। यहाँ पर हम शूट करने आए थे, नोएडा पार्क से यहाँ था क्योंकि बौद्ध जो बनते थे उनको यहाँ पर परिक्रमा करनी थी, यहाँ आना था। वो लोग आ गए, मैं भी आ गया, लेकिन आशीष भटक गया है, वो गूगल मैप की लोकेशन को फॉलो करते हुए दूसरी जगह चला गया जो यहाँ से काफ़ी दूर है, उसको आने में टाइम लगेगा। और जो ये बनते हैं ये अभी परिक्रमा शुरू करने वाले हैं, तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि आशीष रह गए पीछे, और सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आके यहाँ आईपी पार्क में बैठ गया हूँ थोड़ी देर, हम जस्ट वेटिंग किया जाए। और ये ड्रोन जो है, चूँकि आशीष चलाता है, मेरे को ये ड्रोन चलाना नहीं आता, आशीष ही चलाते हैं, और इसका जो रिमोट है वो भी आशीष के पास में है, वो आएगा तो ड्रोन से शूट होगा। और फिर अभी थोड़ी देर में रोशनी भी जो है वो अभी तो है, लेकिन शायद रोशनी कम हो जाएगी तो मुश्किल होगी, तो हम थोड़ा सा मुश्किल में फंस गए। बांधों के इस धम्म मिलन पर गाए सभी बधाई, गाए सभी बधाई। महक रहा भूमि है बुद्ध भूमि, भारत भूमि है बुद्ध भूमि, अनुपम सुगंधित। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुद्ध की प्रतिमा, ये मिलेनियम पार्क में है जो आईपी पार्क के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अभी यहाँ पर इन्होंने परिक्रमा की है, और अब यहाँ बैठकर जो है साधना करेंगे, दीपक जलाएंगे, और हम आशीष का फीट कर रहे हैं अभी तक। पापा,
ये साउंड आ रहा है। अब ये परिक्रमा करेंगे क्या? हाँ, परिक्रमा का एक वाला वो लेना है। कर चलेगा अब वो भी परिक्रमा। ये आप कर को ये आप ओह अब वो ऊपर चला गया। फाइनली आशीष आ गया है और यहाँ पर ड्रोन से शूट शुरू हो गया। रोशनी अभी है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, तो आशीष अभी जो है वो शूट कर रहा है। देखो इसके ड्रोन में ऐसा दिख रहा है। बैटरी लो भी। कहाँ जा रहे तेरे ड्रोन? जो लोग हैं बनते और बौद्ध भिक्षुणु भी वो सब यहाँ पर हैं और यहाँ पर अभी परिक्रमा करते हुए ये देखिए लोग चल रहे हैं।
तो फाइनली हमारा काम हो गया है, ड्रोन से शॉट्स भी ले लिया आशीष ने, वो लेट आए लेकिन काम हो गया, और जो बहुत भिक्षु और भिक्षुणी थे उन्होंने अपना काम किया। बहुत थक गए हैं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि आज मैं एक सीढ़ी फिसल गया, स्किप हो गई सीढ़ी तो दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा गया तो उससे दर्द काफ़ी बढ़ गया, लेकिन मज़ा आया काम करके। और ये बहुत ही खूबसूरत अभी मूर्ति लग रही है, इस पर लाइट जल रही है, शांति स्तूप, ये मिलेनियम पार्क दिल्ली में है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मेरे साथ आशीष हैं जो लाइट दिखा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि बिजली नहीं है तो अपने मोबाइल से वो ऐसा कर रहे हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है साथियों, आज के व्लॉग में इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।